your friend Gaurav from Rahi. So guys, आज मैं आपके लिए कुछ unique चीज लेकर आया हूँ. मैंने एक Eken H9R action camera purchase किया, जो कि मैंने import किया है हमीरी से, aliexpress के through मैंने इसको purchase किया. अगर इसके मैंने इसको लेने से पहले मैंने इसके reviews जो है, सबसे पहले मैंने इसके reviews देखे, ये reviews बहुत ज़्यादा अच्छे थे. और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार ट्राई करने के लिए परचेज किया जाए, क्योंकि ये कैमरा जो है ज़्यादा महंगा नहीं है, अंडर 3000, बहुत चीप है. और चीप में इस पर 4K वीडियो ये बता रहा है कि बन जाती है. और जैसे कि मैंने इसकी वीडियो बनी हुई देखी है यूट्यूब पर, मैंने काफ़ी से मैंने सर्च किया था, तो मुझे अच्छा लगा. 3000 में कोई बुरा नहीं है. अभी तक ये बाहर का देखा हुआ है, अब मैं इस कैमरे को अनबॉक्स करता हूँ और देखते हैं कि आगे ये कैसा हमें रिजल्ट देता है. तो गाइस अब मैं इसको करता हूँ अनबॉक्स, देखते हैं इसके अंदर कैसा निकलता है. मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है मैंने. चलो गाइस, दोस्तों इस कैमरे की खासियत ये है कि जो इसमें 720 रिजोल्यूशन जो वीडियो बनती है वो भी 120 FPS पे बनती है. सो जो कि बहुत पॉजिटिव इसका मुझे लगा कि इसको एक बार परचेस करना चाहिए, देखना चाहिए इसके अंदर एक्चुअल में कैसा वीडियो है. तो मैं इसको अब आपके लिए अनबॉक्स कर रहा हूँ, लेट्स सी कैसा होता है इसके अंदर का कैमरा, एक्शन कैमरा. दोस्तों ये है मेरा कैमरा जो मैंने एक्शन कैमरा जो इंपोर्ट किया है, Eken H9R, जो जिसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे. तो मैंने हंगरी से इंपोर्ट किया है थ्रू AliExpress, और जो कि बहुत अच्छे से मेरे पास आ गया है. आओ इसे अनबॉक्स करें. दोस्तों इसमें 4K वीडियो बनती है और 2 इंच की LED स्क्रीन है और वाइड एंगल लेंस जो कि 170 डिग्री है, वाटरप्रूफ भी है. और बैटरी का इसमें लिखा तो वैसे ही है, लेकिन ये मैं आपको यूज़ करने के बाद बताऊंगा. और दोस्तों इसमें साथ ही साथ HDMI आउटपुट भी है. तो आओ इसको अनबॉक्स करें कि ये कैसा है. तो दोस्तों आगे का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं इसको. दोस्तों ये एक्सेसरीज है, माउंट एक्सेसरीज हो गई, माउंट वगैरह है. इसके अंदर इन्होंने गाइडलाइन पूरी है इसकी, इसमें कि किस कैमरे को किस तरह यूज करना है, किस तरह माउंट्स वगैरह लगाने हैं. Thank you.
सारी चीजें इसमें आ गई हैं मेरे ख्याल से 13 आइटम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चीजें और साथ में ये और के कैमरा एक्शन कैमरा सॉरी करने के लिए आई थिंक और स्क्रॉल चार्जिंग पॉइंट एंड ये है बैटरी का स्लॉट इसके अंदर बैटरी होगी अभी कोई मेमोरी कार्ड है नहीं तो इसमें से ये ऐसे दिखा रहा है तो बैटरी इसमें पूरी है मेमोरी कार्ड है और इसमें इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बाउंस वगैरह हैं चार्जिंग केबल है जो कि मैंने इसमें नहीं शो किया माउंट्स हैं जो कि इस पे लगते हैं इसको इस तरीके से इसमें फिट करके लगा के इसमें बीच से एक जो दूसरा है वो लगा के टाइट हो जाएगा कंप्यूटर ये चार चीज़ें हैं जो और थी इस पे मुझे पता नहीं था इसके बारे में तो टोटल इसमें काफ़ी ज़्यादा 1617X3 माउंट्स चार्जिंग केबल काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है इसके साथ मैंने इसे मेमोरी कार्ड लगा दिया अपना एक मेमोरी कार्ड लगा दीजिए कि प्रेफर मेमोरी कार्ड मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा तो इसके बटन को एक बार प्रेस करेंगे दोस्तों इसका कैमरा बहुत अच्छा है ऊपर लाइट है जिससे पता लगता है कि कैमरा ऑन है और ये इसका पावर का बटन है सामने इसकी साइड में दो बटन है जो अप डाउन सेटिंग को करने के लिए है बंद करना अगर आपको इसको शट बंद करना है तो लॉन्ग प्रेस आपको ये करना पड़ेगा पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करो बंद इसका जो वीडियो बनाने का जो एंगल है वो काफी वाइड है जैसा आप देख सकते हैं ये काफी इस पूरे टेबल को कभी अच्छे से कवर कर ले रहा है जबकि मेरे इस कैमरे में भी ये पूरा कवर नहीं हो रहा लेकिन इसमें देखो अगर आप इसको प्रेस करेंगे एक बार तो रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो अभी ये वीडियो बन रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1080p 30fps उसका पूरा टेबल इसने कवर कर लिया इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स भी है मैं आपको वो सेटिंग दिखाता हूँ अगर आप उसके पावर के बटन को अगर आपको उसमें फोटो कैम वीडियो के अलावा अगर आपको उसमें फ़ोटोज़ खींचनी है तो आगे ये पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये कैमरा खुल गया दोबारा पावर प्रेस को बटन करेंगे तो ये बर्स्ट मोड उसका ऑन हो जाएगा और ये एक बार और करेंगे तो उसकी टाइम लैप्स आ गया जैसे कि आप मैंने इसके रिव्यूज़ में टाइम लैप्स भी देखा है जो कि बहुत ही बेहतरीन टाइम लैप्स बनता है इससे और ये सेटिंग सेटिंग में जाने के लिए आपको ऊपर का बटन को प्रेस करना है और फिर साइड के बटन से आप स्क्रॉल करेंगे अप डाउन करेंगे और जो आपको और बैक करने के लिए पावर का बटन और ओके करने के लिए आपका ये ऊपर वाला बटन काम करेगा बाकी वीडियोज़ है सब है और रिजोल्यूशन देख सकते हैं आप गाइज़ ये मेरे इसमें ऊपर नीचे हो नहीं रहा है क्योंकि मेरा जो मेमोरी कार्ड है क्लास 4 है जिस वजह से ये अप डाउन नहीं हो पा रहा है सो गाइज़ मे बी ये क्लास 10 पे ये हो जाएगा तो ये बैक करने के लिए इसका यही है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं
loop video timestamp, exposure, photo resolution, AES का burst mode, 3 photos, time lapse. अगर आपको कट करके एकदम बाहर निकलना है तो so guys, ये हमारा Eken H9R एक्शन कैमरा जो कि वाटरप्रूफ भी है, 30 मीटर वाटर के अंदर तक तो इसमें आप जो वीडियो बना सकते हैं. तो गाइस ये था हमारा अनबॉक्सिंग की वीडियो. तो कैमरा अगर आप परचेज करते हैं या इससे कोई रिगार्ड कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट में डाल जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा. और बाकी इससे बनी हुई वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा उसमें आपको जरूर मिलेगी, जो जिसमें कि मैं इसका डे नाइट का पूरा इसमें वीडियो एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, जिससे कि आपको उसकी क्लैरिटी का पता लगेगा. सो डिस्क्रिप्शन में जाओ उसी वीडियो देखो. अगर आपको ये परचेज करना है तो गाइस ये आपको मिल जाएगा AliExpress पे, जिसका कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें से आपको इजीली पता लग जाएगा ये कौन सा वाला कैमरा एक्शन कैमरा. सो गाइस ये हमारा आज का था छोटा सा ब्लॉग जो कि एक्शन कैमरा के ऊपर था. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे बनी हुई इस एक्शन कैमरा से बनी हुई वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें. थैंक यू.